गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू चैप्टर। द चैप्टर इज लाइन एंड एंगल्स। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट एंगल्स, दियर प्रॉपर्टी, ठीक है, लाइंस, दियर प्रॉपर्टी एंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन लाइन एंड एंगल्स इन दिस चैप्टर। तो फर्स्ट लेट अस इंट्रोड्यूस अबाउट एंगल। एंगल टू रे ओ एंड ओ बी हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट फ्रॉम एंगल ए ओ बी, रिटन एस एंगल ए ओ बी। सबसे पहले तो इसकी डिफिनेशन को समझने की कोशिश करिए। आपके पास दो रे है, हम यहाँ पे देखिए दो रे ले रहे हैं। जैसे हमारे पास एक रे ये है, ठीक है, और एक हम और रे ले रहे हैं, सेकेंड रे अपनी, और हम देख रहे हैं कि इन दोनों रे का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, सेम है। ये देखिए है ना, ये हमारी रे, जिसे हमने कहा ये ओ हो गया और ये पहली रे हो गई ओ ए, और ये दूसरी रे हो गई हमारी ओ बी। इनका कॉमन पॉइंट क्या है, सेम है। कॉमन पॉइंट क्या है हमारा, ओ, और यहाँ भी दोनों क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है। यही जो फिगर हमारा बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। और इसमें जो ओ ए और ओ बी होता है बेटा, वह इसके आर्म्स होते हैं। जैसे हमारे आर्म्स होते हैं ना ये, तो वैसे इनके भी क्या है, ये आर्म्स हैं। और ओ जो है वह इसका क्या है, वर्टेक्स है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। मैंने कहा था टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो एज यू नो दैट इन प्रीवियस क्लासेस व्हिच हैव यू ऑलरेडी स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना सर, एक्यूट एंगल्स, इसके बाद राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। तो देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ एंगल्स विच हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस। तो लेट अस इंट्रोड्यूस अबाउट दिस एंगल्स टूडे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, एक्यूट एंगल है। एज यू नो डेट वाट इज एन एक्यूट एंगल, हिंदी में इसे कहते हैं न्यून कोण। या क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन जीरो डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। कोई भी एंगल हमारा अगर जीरो से क्या है, जीरो से वो क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, जीरो से ग्रेटर है, और 90 से वही एंगल क्या है हमारा, लेस है। 90 से क्या है, एक्स। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, कोई एंगल हमारा यक्स है, हमने कहा यक्स की वैल्यू क्या है, 30 है। तो ये जो 30 है आप देख सकते हैं, 30 की वैल्यू जीरो से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। 30 जीरो से क्या है आपका, 30 हमारा जीरो से ग्रेटर है, और 90 से क्या है, ये लेस है, ठीक है। तो इस तरह के एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। और एग्जांपल हम ले सकते हैं, बस ऐसा एंगल जो जीरो से ग्रेटर हो, जैसे हम बात करते हैं 15 की बात करते हैं। और एग्जांपल हमने क्या लिया, 15 डिग्री 15 भी हम देख सकते हैं कि यह एंगल जीरो से क्या जा रहा है, ग्रेटर, 90 से क्या जा रहा है, लेस हो रहा है। तो हम कहेंगे एक्यूट एंगल, दिस टाइप ऑफ एन एंगल एक्यूट एंगल। मान लो किसने पूछा 102, आप ये देखते हो कि जीरो से ग्रेटर तो है लेकिन 90 से भी ग्रेटर है, कोई पूछा क्या एक्यूट है, तो कहोगे नहीं सर ये एक्यूट नहीं है। सेकंड एंगल हमारा क्या है, राइट एंगल। एज यू नो दैट अबाउट द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट हमें कितना देता है, उसकी वैल्यू एग्जैक्ट कितनी हो, 90 डिग्री हो, ना 90 से ज़्यादा और ना ही 90 से कम, यानी दिस इज सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90, और इसको हम कहते हैं राइट एंगल। अब हम चलते हैं थर्ड एंगल की तरफ। तीसरा एंगल हमारा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको बहिष्कोण, राइट को कहते हैं समकोण। ऑब्ट्यूस एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे आप देखो, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हमने बनाया यहाँ पे एक सिंबल परपेंडिकुलर का, यहाँ पे देखिए तो हम एक सिंबल ले रहे हैं, ठीक है, सिंबल किसका ले रही है, परपेंडिकुलर का। अब इस परपेंडिकुलर समझ के ध्यान से, परपेंडिकुलर के अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल। अगर परपेंडिकुलर के हम इस साइड बेंड होते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक्यूट, और परपेंडिकुलर के अगर हम इस साइड बेंड होते हैं तो हमारा बनता है ऑब्ट्यूस। यानी ऑब्ट्यूस जो होता है, देखो 90 से क्या है, ग्रेटर है, और अगर इस लाइन को हम इधर ले जाए तो ये बनता है 180, यानी 180 और 90 के बीच में, ठीक है।
ठीक है, ये जो हम पोर्शन देख रहे हैं ये किसको बताता है, ऑब्ट्यूस एंगल को बताता है, और ऑब्ट्यूस की वैल्यू हमेशा 90 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, और 180 से क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, 180 से क्या होगी, लेस होगी। जैसे हम एग्जांपल बात करते हैं, अभी मैंने कहा था ना 120, तो 90 से क्या है, ग्रेटर है, और 180 से क्या है, कम है, तो इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। देन फोर्थ एंगल इज स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हूज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड एन स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हम एक लीनियर पेयर से भी दिखा सकते हैं, एक सीधी लाइन, ठीक है, ये हमेशा किसको बनाती है, स्ट्रेट एंगल बनाती है। एंगल मार्केट कितने डिग्री का होता है, एग्जैक्ट कितना, 180 डिग्री, और इस टाइप एंगल क्या होता है, 180 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास सर्कल है, जब सर्कल को उसके हम डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, सेमी सर्कल बनता है ना। तो ये जो लाइन जा रही है, ये जो एंगल का शेप है, जो सेमी सर्कल एंगल का शेप, ये क्या है, एक तरह से स्ट्रेट एंगल, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 180, क्योंकि जब हम सर्कल को पूरा राउंड करते हैं तो कितना बनाता है, 360 बनाता है, तो हाफ हो गया, तो हाफ कितना हमारा 180 हुआ। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्स एंगल के। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, एन एंगल हूज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा हो, 180 से ज़्यादा, देखो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 185, और हम देख सकते हैं कि 185 जो है वो 180 से क्या है, ग्रेटर है, और किससे लेस हो, 360 से। तो देखो 360 जो है वह लेस है, 360 से ये 185 क्या है हमारा, लेस है। तो ऐसा एंगल जो 180 से ग्रेटर और 365 से क्या हो, लेस, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन इन 360 डिग्री इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। एंड लास्ट हम डिस्कस करते हैं कंप्लीट एंगल की। जब हम किसी एक पॉइंट से पूरा राउंड हो जाए और वापस वही पहुंच जाए, जैसे आप किसी सर्कुलर ट्रैक की बात करते हो और आप उसके चारों ओर क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो, रन कर रहे हो, तो हम जब उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं, जैसे साइकिल के व्हील की बात कर लो, ठीक है, जब उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो एंगल कितने डिग्री का बनता है, 360, और इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, यानी हिंदी में कहते हैं पूर्ण कोण। एन एंगल हूज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड एन कंप्लीट एंगल। इसके बाद टू टाइप्स के वेरी इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जिसको हमें क्लास 9 में डिस्कस करना है, हमारे चैप्टर में इंक्लूडेड है, वो क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। आई थिंक इसको भी आपको प्रीवियस क्लासेस पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ाया गया है तो मैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर सेट टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ द देयर सम इज 90 डिग्री। हमेशा हमें दो एंगल सेलेक्ट करना है जिनका सम कितना हो, 90 हो, तो हम कहते हैं वह कम्प्लीमेंट्री है। अगर सम 90 नहीं है तो हम कहेंगे वह कम्प्लीमेंट्री नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे लिया है 55 एंड मैंने कितना लिया है 35, दिखाई दे रहा है आप लोग को, 55 एंड कितना है 35। अगर हम 55 और 35 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 90। तो हम कह सकते हैं 55 एंड 35 जो है वह कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के एग्जांपल्स हैं। अगर यहाँ से आप ये कहते हो कि टू कि इफ द कम्प्लीमेंट ऑफ 55, अगर कोई पूछे व्हाट इज द कम्प्लीमेंट ऑफ 55, कम्प्लीमेंट ऑफ 55, तो आंसर आप बताओगे 90 से इसी एंगल को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो रिजल्ट आता है हमारा वह उस इस एंगल क्या होता है, कम्प्लीमेंट होता है। यानी 55 का कम्प्लीमेंट क्या होगा, 35। तो अगर इसी की हम वाइस वर्सा की बात करें तो 35 कम्प्लीमेंट कितना होगा, 55 होगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दी रिजल्ट इज 90 डिग्री, देन दिस टाइप ऑफ एंगल्स इज नोन एज कम्प्लीमेंट्री एंगल। टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। और एज यू नो डेट 45 का कम्प्लीमेंट, 45 एक ऐसा एंगल जिसका कम्प्लीमेंट खुद के इक्वल होता है, और वो कितना होता है 45, क्योंकि 45% कितना होता है, 90 होता है। इसके बाद हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ दियर मेजर्स इज 180 डिग्री। यदि हम दो एंगल सेलेक्ट करते हैं उनका सम कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो हम कहते हैं वो क्या है, कम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया 62 एंड 118, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए 180 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 62 और जो 118 है वह सप्लीमेंट्री एंगल के एग्जाम्पल्स हैं। और टू सप्लीमेंट एंड टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है, द सप्लीमेंट ऑफ 62 इज 118 एंड द सप्लीमेंट ऑफ 118 इज 62।
इस लेक्चर में मैंने कुछ एक्टिविटीज दी आपको करने के लिए, हम उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे आप पूछा गया ना, फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस या ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, द कम्प्लीमेंट ऑफ 63, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एक हम सॉल्यूशन दे रहे हैं द कम्प्लीमेंट ऑफ 63 इच, इसलिए क्या करोगे 63 किससे सब्ट्रैक्ट करोगे 90 से, चाहो तो यहाँ दिखा सकते हो 90 माइनस 63 इज इक्वल टू 10 में से 3 किया 7 एंड 8 में से 6 किया 2, तो 63 कम्प्लीमेंट हमारा कितना आया 27 आया। ऐसे हमारा क्या है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब सप्लीमेंट पूछा है तो यहाँ क्या लिखोगे, द सप्लीमेंट ऑफ एंगल 125 इच, 180 निगेटिव 125, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, कितना आ गया 55, यानी 125 का सप्लीमेंट क्या होगा 55 होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ बहुत ध्यान से समझिएगा, पूछा गया फाइंड द एंगल्स हूज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट, जो सप्लीमेंट है वह कम्प्लीमेंट कितना है 4 टाइम्स। सबसे पहले अगर आप किसी एंगल को एज्यूम करते हैं, मैंने क्या मान लिया एंगल एक्स, यहां से मैंने माना लेट एंगल बी एक्स, मैंने ऐसा मान लिया। अब जब ये एंगल एक्स हुआ तो कम्प्लीमेंट ऑफ एक्स कितना होगा आपको ये देखना है, क्या देखना है कम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, कम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे इसी को 90 से माइनस करेंगे, फिर यहां से हम देखेंगे सप्लीमेंट ऑफ क्या है एक्स, अब हम इसको किससे माइनस करेंगे 180 से माइनस करेंगे, ऐसा करेंगे। अब ऐसा करने के बाद जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, अब यहाँ से आपका काम है फाइंड द एंगल हूज सप्लीमेंट, सप्लीमेंट कितना हुआ एंगल का 180 माइनस एक्स हुआ, इच इज मीन्स इक्वल 180 माइनस एक्स इज इक्वल 4 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट, तो 4 टाइम्स और कम्प्लीमेंट मैंने क्या देखा है 90 माइनस एक्स, यहाँ से क्या लोगे 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 4 36 निगेटिव 4x। सबसे पहले हमने क्या किया ब्रैकेट को ओपन किया, अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक्स को एक साइड से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं निगेटिव एक्स प्लस, जब 4x को ट्रांसपोज करेंगे एलएचएस साइड तो प्लस पॉजिटिव 4x हो जाएगा, 360 माइनस कितना 180, ये हुआ 4x से एक्स को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट कितना हमारा आएगा, हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं 3x और 360 का माइनस कितना आएगा 180 आएगा, अब ये इसको क्या किया क्रॉस किया तो एक्स कितना हो गया 60, हम कह सकते हैं हेंस द एंगल हूज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट इज 60 डिग्री। देन क्वेश्चन नंबर 4, लेट मी एक्सप्लेन, यू कैन सॉल्व टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5 फाइंड द एंगल्स, यहाँ पे दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए, तो कम्प्लीमेंट्री जैसे हम बात कम्प्लीमेंट्री करते हैं वैसे ही हमारा माइंड उसके डिफिनेशन पे आना चाहिए, डिफिनेशन क्या है द सम ऑफ टू एंगल्स हूज मेजर इज 90 डिग्री इज नोन एज कम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पे रेशियो क्या दिया है 4:5, तो पहले आप यहाँ से एज्यूम करो कि जो हमारा फर्स्ट एंगल है वो कितना है 4x है एंड अनदर एंगल कितना है 5x है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम कम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, कम्प्लीमेंट की बात करें तो 90 होना चाहिए। अब इसको आप सॉल्व करो और सॉल्व करके क्या फाइंड करो एक्स की वैल्यू फाइंड करो और जो एक्स आएगा उसको यहाँ पे पुट अप करके फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एंगल्स विच इज 5 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट, जैसा मैंने यहाँ बताया आपको कि सबसे पहले हम क्या करेंगे एंगल को एज्यूम करेंगे, एज्यूम कर लिए सिर्फ यहाँ पे किसकी बात की जा रही है ध्यान से देखो, तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं उसके सप्लीमेंट की, तो इस एक्स का सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स होगा ऐसा, और जब ऐसा होगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द एंगल, एंगल क्या हुआ एक्स, सप्लीमेंट कितना हुआ 180 माइनस एक्स, और यही एंगल अपने सप्लीमेंट कितना है 5 टाइम्स, इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा ठीक। बस तो टुडे आज के लिए आपका इतना ही था, थैंक यू एवरीवन, गुड लक, गुड डे।